बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनूप प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट ने हरिद्वार जेल में आम आदमी की तरह वकीलों के साथ होने वाले व्यवहार पर नाराजगी जाहिर जताई। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जरूरत से ज्यादा कैदी होने के कारण कैदियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनूप भारद्वाज जी से एक मुलाकात वीएस इंडिया न्यूज अपडेट मीडिया से। हाँ, तो बताइए वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जेल में जो कैदियों की स्थिति है वो बड़ा दयनीय है। इस समय हमारे राज्य में आप देहरादून की कोर्ट जेल देखें और हरिद्वार की जेल देखें, कैदियों की जो कैपेसिटी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उनके लिए जो व्यवस्था है वो बहुत कम है। मतलब कहने का कि कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी वहाँ पर निरुद्ध हैं, उनके मूल अधिकारों का हनन होता है, सोने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार हरिद्वार में भी जेल प्रशासन को कैदियों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके मूल अधिकारों का हनन न हो सके, अधिवक्ताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे हरिद्वार जेल की जो स्थिति है कि यदि कोई अधिवक्ता जेल में अपने कैदी से, जो कि उसका मूलभूत कैदी का अधिकार है अपने अधिवक्ता से मिलने का, और यदि वो जेल के अंदर जाता है, अनुमति मांगता है, तो जेल प्रशासन को चाहिए कि उसका आधार कार्ड लेकर के या उसका आई कार्ड लेकर के, बार काउंसिल द्वारा जो प्रदत्त उसका आई कार्ड है उसको लेकर के उसको अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति है जेल की वो ये है कि यदि कोई अधिवक्ता गया तो उसको कैदियों से जो मिलने वाले लोग हैं उनकी कटघरी में एक अधिवक्ता को सम्मिलित कर लिया गया है। उस अधिवक्ता को पहले उनके द्वारा करीब 500 मीटर दूर पर जाकर के, उनका गेट है, गेट पे जाकर के वहाँ पर एंट्री करानी होगी। उन्हीं कैदियों के संबंधी जो उनके साथ मिलने आए हैं उसी प्रोसीजर के साथ, फिर उनके पास दूसरा जगह निर्धारित और की हुई है, जिस प्रकार से एक सामान्य के लिए की हुई है कि अधिवक्ता जाएगा वहाँ पर अपना फोटो खिंचाएगा, आधार कार्ड देगा और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, कुल मिलाकर के उस प्रोसीजर में एक अधिवक्ता का 2-3 घंटे। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।